वक्त बिहार से आ रही है। आपको बता दें जेडीयू मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है। लगातार बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावों के करीब आते ही लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई इसी कड़ी में अब जेडीयू के मंत्री ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है। इनकी तरफ से यह कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्वीट कर ये सलाह दी है। बीते कई दिनों से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उस बीच ये ट्वीट आना लाजमी भी नजर आता है और उसके साथ साथ बिहार में आने वाले चुनाव के संकेत भी लगातार दे रहा है। मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री से प्रेरणा लेना ही चाहिए तेजस्वी यादव को और अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान अर्जन में उम्र बाधा नहीं होती है, अब जब जागोगे तब सवेरा हो जाएगा। ये नीरज कुमार ने ट्वीट कर एक तंज कसा है और उसके साथ साथ एक नसीहत भी दे दी है तेजस्वी यादव को। बीते कई दिनों से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, ऐसे में नीरज कुमार का सामने आकर जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर हमलावर होना, तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना लाजमी नज़र आता है। आपको बता दें बीते दिनों झारखंड के शिक्षा मंत्री ने दसवीं, जो कि सिर्फ दसवीं तक ही पढ़ पाए हैं, उसके बाद उन्होंने ग्यारहवीं में एडमिशन लिया है, उसी को देखते हुए ये तंज और ये नसीहत तेजस्वी यादव की तरफ नीरज कुमार की आई है। ट्वीट हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज कुमार लिखते हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री से प्रेरणा लेते तेजस्वी यादव, ज्ञान अर्जन में उम्र बाधा नहीं होती है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश सिंह जुड़ गए हैं, बिहार से उनका रुख करेंगे। अवनीश, बिहार में चुनाव नजदीक हैं और लगातार एक के बाद एक ये ट्वीट आने इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ी लाजमी नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर ट्विटर के माध्यम से ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये मौका कहीं ना कहीं जेडीयू ने भी नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से। अश्विनी आवाज पहुंच रही है, चलिए संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, मंत्री नीरज कुमार ने बिना समय गवाए मौका देखते ही एक नसीहत तेजस्वी यादव को ट्विटर के माध्यम से दे दी है। तेजस्वी यादव को ये कहा है कि वो अब बहुत जल्द झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीखें और जल्द से अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। राजनीति सरगर्मियां तेज होते हुए और अब तंज और गहमागहमी का माहौल इसमें सियासत में दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वापस उनका रुख करेंगे। क्या देख रहे हैं इस वक्त बिहार में जो स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार ट्विटर के माध्यम से हो रहा है, बीते कई दिनों में तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते हुए आए हैं, तो अब नीरज कुमार भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है। झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक बार फिर उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया है आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो मंत्री नीरज कुमार ने नसीहत दी है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव जिस तरह से झारखंड के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा जो अधूरी छोड़ी थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, इसी को लेकर आप भी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आप नौवीं पास हैं, आपने अभी मैट्रिक पास भी नहीं किया है, इंटर भी नहीं किया है, तो वैसी स्थिति में वो राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन शिक्षा की कमी है, तो इसलिए आप भी कम से कम झारखंड के शिक्षा मंत्री से अनुकरण करें और आप भी पढ़ाई अपनी पूरी करें। अच्छा, बड़ी बात ये है कि अब इस नसीहत को तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे, ये तो लाजमी है कि चुप वो भी नहीं बैठेंगे। बीते कई दिनों में कोरोना को लेकर, बाढ़ को लेकर बिहार में लगातार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, अब जब ये खुले तौर पर एक नसीहत उनकी तरफ आई है तो क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है उनकी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है आने वाले समय में जी। और वैसी स्थिति में दोनों, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों तरफ से वार पलटवार हर मुद्दे पे जारी है और इसी को लेकर लगातार जेडीयू आरजेडी को नसीहत देती है तो कभी आरजेडी एनडीए को नसीहत देती है, तो वैसी स्थिति में बयानबाजी अभी जारी रहेगा।
लगातार उनके प्रवक्ता भी काफी हमलावर है, आरजेडी के प्रवक्ता भी काफी हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। तो वैसी स्थिति में अब आज जो जिस तरह से ट्वीट किया है नीरज कुमार ने, उसके बाद आरजेडी का भी पलटवार जो है वो जल्द आएगा इस मुद्दे पर। अच्छा, वहीं इसको लेकर किस तरीके का रुख आरजेडी अपना रही है नीतीश कुमार से, इतर पार्टी का क्या रुख है इस बयान को लेकर? देखिए, जो नीरज कुमार जो बयान देते हैं वो जेडीयू का बयान माना जाता है। इससे पहले नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और अब बिहार सरकार में वो सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं, तो वो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बयान, नीरज कुमार का बयान नीतीश कुमार के सहमति से ही नीरज कुमार बयान देते हैं। तो वैसी स्थिति में जिस तरह नीरज कुमार ने बयान दिया है, जस्टिस यादव पर जिस तरह से हमलावर हैं और खासतौर पे बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरह से उनकी शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। जेडीयू जो एनडीए जब जाएगी चुनाव में, तो उनके शिक्षा को लेकर भी जरूर जनता को बताएगी कि आखिर वो नौवीं पास है तो वो बिहार की सत्ता कैसे संभालेंगे। अच्छा, एक चीज निश्चित है यहाँ पर, ये तो हर चुनाव में देखा गया है कि जैसे जैसे चुनाव निकट आते हैं तो सियासत से इतर व्यक्तिगत टिप्पणी करना भी सियासतदान शुरू कर देते हैं और उसी की एक झलक आज की तारीख में हम देख पा रहे हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी अब और तेज होंगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में ज्यादातर जो है टिप्पणी जो है व्यक्तिगत ही होते हैं, चाहे आप आरजेडी का टिप्पणी पिछले कई दिनों का ले ले या जेडीयू के नेताओं का टिप्पणी ले ले, वो लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी ही करते हैं। लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी न कर जो है मुद्दे पर टिप्पणी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है, हमें लगता है कि अभी और कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। जिस तरह से शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है, लगातार उनके परिवार के लोगों के धन अर्जित करने को लेकर जेडीयू लगातार सवाल उठाती रही है, तेजस्वी यादव भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बिहार चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सियासतदानों की तरफ से एक दूसरे को लेकर इसी तरीके की सलाह और व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाने वाली